हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम विश्वल की पहाड़न और मेरा बेटा देखो आज आटा गूंद रहा है पहाड़ में। सिद्धू पहाड़ी स्टाइल में आटा गूंद रहा है। आपको पता है जब यहाँ पे पहाड़ों में शादी होती है ना तो लड़के गूंदते हैं आटा। एक बड़ी सी परात होती है, उसमें 4-5 लोग घेरा बना के बैठते हैं और आटा गूंदते हैं, पता है आपको? सिद्धू अब पता चला मेरे पास। अब पता चला कब? अभी आपने बताया ना। अभी बताया। हाँ वही तो, अभी बताया। वो देखो अच्छे से, आराम से, सही से करो। हाँ देखो सिद्धू, अपने बच्चों को देखिए गेम्स वगैरह खेलने से अच्छा तो ऐसी चीजों में बिजी कर दीजिए, सीख भी जाएंगे, आंखें भी ठीक रहेंगी, गेम नहीं खेलेंगे, है ना? लेकिन ये मुझे लग रहा है गांव पति तक ही सीमित रहेगा, वहां पे तो पूरा नेट चलेगा, यहाँ नेट नहीं आ रहा है। अब बस बुला ले। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि मैं गूंद लूंगा, है ना? लेट्स सी। चलो मम्मी आप क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हो? चाह पिया? चाह पी लिया? ठंडी होगी थी चाय? नहीं। आपकी चाय ठंडी होगी? नहीं नहीं, अच्छी हो रही चाय, चाय के मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रही चाय। गांव में चाय पी रहा है अभी? 7 बज रहे हैं शायद। 7 बज रहे हैं। गांव में चाय पीने का अलग ही मजा है, आराम से तसल्ली से बार बार चाय पीते रहो, चाय पियो बिना टेंशन के, फ्रीली, बहुत मतलब बिना टेंशन के आप हर चीज का एंजॉय कर सकते हो, इवन एक छोटी चीज पे। तो बहुत ही बढ़िया है। अभी हम सिद्धू, अब सिद्धू आटा गूंद रहा है, अब हम रोटी बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे रोटी सिद्धू? चूल्हे पे। चूल्हे पे? हाँ चूल्हा है। दिन में भात बनाया था ना हमने, इसमें अच्छा हो रहा था ना। हाँ गाँव पर कहीं पर जाओ सहेली मिल जाते हैं। हाँ सहेली मिल जाते हैं। आप सहेली के साथ बैठ के आ रहे हो ना अभी? हाँ जल्दी घर में आएंगे बोलेंगे तो और टाइम लगता है। जैसे कि आप आए 5 मिनट बोलते हैं और 1 घंटा लग जाता है। हाँ कोई ना कोई मिल जाता है। रोटी किसको खिला के आया? रोटी गाय को। गाय को? उसमें हलवा भी था, खा लिया गाय ने? हाँ तभी तो यहाँ की गाय का दूध अच्छा होता है, ताकतवर, क्योंकि यहाँ की गाय पॉलिथीन नहीं खाती। हाँ यहाँ की गाय हमेशा रोटी पूरी मतलब जो भी हम लोग खाते हैं वो सब वो भी खाते हैं, सब और अच्छा खाते हैं, हमेशा अच्छा खाते हैं और अच्छा दूध ताकतवर होता है। सिद्धू के लिए भी दूध आया ना आज? देखो सिद्धू ने बहुत ही, सिद्धू के लिए कौन सा आया? भैंस का? वेरी गुड। मुझे लगा था कि यहाँ खाना ज्यादा भी बन जाता है, कोई मतलब नहीं रहता, लगा था सिद्धू नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर में गिव अप कर देगा। हां गाय को दे दो, है ना? वेरी गुड जॉब, 80% देखो वेरी गुड, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट, सिद्धू फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा। हाँ, फ्लोर नेडिंग इतना अच्छा किया इसने। ऐसे कर, ऐसी दोनों हाथों से ऐसे। तू क्या कहते हैं ऐसे आटे को पहाड़ी में? पहाड़ी में इंग्लिश में नहीं, आटा पीसी, पीसी पीसी, जैसे पर्सनल कंप्यूटर होता है ना उसको पीसी। गांव में पीसी ओलना बोलते हैं। पीसी ओल रहे हो आप? देखो फोर्स लगाने के लिए इसको घुटनों के बल बैठो। ये देखो अपने बच्चों को ऐसे सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी चीजें ऐसे आप सिखा सकते हो। ओ हो ताकत, देखो सिद्धू में ताकत भी आ चुकी है, वरना ये बहुत जल्दी थक जाता था। और इसमें ऐड करो वाटर। बाबू ये आटा यहाँ चिपक गया मेरा। और देखो सिद्धू को सिखाने के लिए दो दो लोग हैं, थोड़ा साइड में लो, चारों तरफ से अलग करो, चारों तरफ से जो बचा हुआ है सबको भी ऐड करो। वहाँ जाके सिद्धू को हेल्प करने के लिए तैयार है, कुछ तो अच्छा करके जा रही हूँ यहाँ से। ये सबको जो कोने कोने में, अम्मा और पापा दोनों लगे हैं उसको सिखाने में। देखो सिद्धू ने वो चीज करी जो सिद्धू। हाँ उसके बाद ऐसे साफ करते हैं पूरी परात को गूंदने के बाद। हाँ वेरी गुड सिद्धू, देखो इससे ऑटोमेटिक बॉडी भी बनती है, एक्सरसाइज भी होती है, नो नीड टू गो टू जिम, नेचुरल एक्सरसाइज। और देखिए वेरी गुड, देखो कितना फिर से कुछ नया लेकर आया ना सिद्धू, पहले कितना ड्राई सा था, आप देखो कितना जैसे मम्मी। वेरी गुड, बाय बोलो सिद्धू। बाय बाय सिद्धू ने आटा गूंद लिया है, बाय बोलो मम्मी। बाय मम्मी, बाय बोलने में एक्सपर्ट है, गुड नाइट, बाय।